आज के समय में फोन और लैपटॉप जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल तो हर कोई करता है। अब लैपटॉप हो या फोन, बिना इंटरनेट के इस्तेमाल करना तो डब्बा लगता है। इंटरनेट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन साइबर क्राइम क्या है, इस बात से लोग आज भी अनजान हैं। हम आपको बता दें कि देश दुनिया में बहुत सारे अलग अलग क्राइम हैं। उन्हीं में से एक है साइबर क्राइम, जो फोन और लैपटॉप के जरिए किया जाता है। आज साइबर क्राइम के बारे में हम आपको विस्तार से सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करेंगे, जिसमें आप जान पाएंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है और उसके कितने अलग अलग प्रकार होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और कड़वा सच में आपका स्वागत करता हूं। क्या होता है साइबर क्राइम? यदि आप भी अपनी दिनचर्या के व्यवसाय से जुड़े अधिकतम काम इंटरनेट के जरिए करते हैं तो साइबर क्राइम के बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इंटरनेट ही एक ऐसी जरिया है जो देश विदेश में बैठे लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने और व्यवसाय को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में धीरे धीरे साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। यदि सरल शब्दों में बात की जाए तो साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कुछ अपराधी अपने फोन और इंटरनेट के जरिए कुछ अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। ये उन सॉफ्टवेयर और कुछ विभिन्न प्रकार के खतरनाक तरंग के जरिए आपके फोन और लैपटॉप के आपका सभी प्रकार का निजी डाटा चुरा लेते हैं, उसे ही साइबर क्राइम कहा जाता है। हाल ही में एक नए तरीके का साइबर क्राइम से जुड़ा मामला सामने आया है। हैदराबाद की कंपनी के CEO 16 लाख ऑनलाइन उनके अकाउंट से निकाल लिए गए, और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि कोई OTP मैसेज नहीं आया और ना ही कोई ऑनलाइन लिंक भेजा गया। साइबर क्राइम को दे दिया गया, लेकिन साइबर क्राइम के ऑफिसर भी समझ नहीं पा रहे कि ये पैसा कैसे निकाला गया। CEO के मोबाइल को भी चेक किया गया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। सिर्फ एक क्लू CCTV में सामने आया, जिसमें दिखाई दिया कि CEO का चार्जर चेंज हुआ है और उसमें चार्जर के सारा डेटा कॉपी किया गया। पहले चार्जर में एक चिप लगाई गई, इसके बाद उस चार्जर को चेंज करके डेटा चुरा लिया गया और 16 लाख अकाउंट से निकाल लिए गए। जानते हैं साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं? I2K2 is more than an organization upholding unflinching integrity, ethics, and commitment to excellence. I2K2 is defined by a simple set of corporate values that guide how we operate every single day. Trust, care, innovation, and pride. We hold each other accountable for creating a company in which we can all be proud to work. I2K2 Networks is 23 years old organization. We started as a traditional hosting organization. Currently, we are a one-stop destination for our customers' data center and cloud requirements. It's been more than a decade since I joined, and I2K2 feels like a second home to me. We believe that people give their best when they feel that they are part of the company with the strong values. I'm Sanjay Sharma, CTO I2K2. I'm managing development and cloud operations. I2K2 is best place to work. Hi, I am Vikas Saxena, working with I2K2 Networks from last 16 plus years. It has been an amazing experience so far. Hi, my name is Piyush Badoni and I work for the sales department in I2K2 Networks. It seems it was just yesterday when I joined I2K2 9 years back, and since then it has been a scintillating experience. I2K2 has been more than a family. Hi, I'm looking after the government business in I2K2 Networks. Today, cloud is the need of every business, whether it is government or private. So I2K2 is playing the forefront role in providing cloud business to the government also. Hi, I'm heading the accounts department of I2K2. I joined I2K2 more than a decade back, and it has been an amazing journey. My name is Piyush Agarwal. I take care of public cloud operations over here at I2K2 Network. We are a 23-year-old organization. We are in a public cloud business for more than a decade now. We take care of AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud business, and we are one of the leading cloud partners in all over India. हैकिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति की निजी जानकारियों को बिना अनुमति के घुस जाता है
उसके लिए कुछ अपराधी ऑर्गेनाइजेशन एथिकल हैकिंग को ढूंढते हैं और उन्हें किसी एक व्यक्ति के सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। उनके जरिए वे उनकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं और पूरी तरह से हैक कर सकते हैं। इसके अलावा वे उनके सोशल मीडिया एक्सेस को भी हैक करके उनकी पहचान को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्राइम की सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस कंप्यूटर ओनर को भी इस बात का पता नहीं चलता कि कोई हैकर उनके कंप्यूटर में मौजूद सभी प्रकार की जानकारी इस्तेमाल कर रहा है और उनके ही नाम से चला रहा है। चोरी, साइबर क्राइम के अंतर्गत चोरी भी की जाती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें चोरी कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम आप बताते हैं। दरअसल साइबर क्राइम के अंतर्गत यदि आप कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कुछ कॉपीराइट फिल्में, गेम, सॉफ्टवेयर या गाने डाउनलोड करने अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे साइबर क्राइम की चोरी कहा जाता है। वे बिना उसके मालिक के अनुमति के उसके अधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी उन चीज़ों को चुरा लेते हैं जो उन्हें स्वयं बनाई हो और उसके लिए अपने नाम का कॉपीराइट खरीदा हो। वे अपराधी इस अपराध को भी लेते हैं और उन फिल्म और गेम के मालिकों को इस बात का पता तक नहीं चलता। यदि उनको ये पता लगता है तो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और इसे गैरकानूनी डाउनलोड मानते हुए साइबर क्राइम के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाता है। साइबर स्टॉकिंग, ये क्राइम मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, साइट आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत अपराधी ऐसे लोगों को परेशान करते हैं जिनमें या तो कोई छोटे बच्चे हों या फिर टीनेजर शामिल हों। उनके साथ हुए अभद्र प्रकार की चैट करते हैं या फिर उन्हें उल्टी सीधी पिक्चर भी भेजते हैं। ऐसे में उन बच्चों से ज़्यादा समझदारी नहीं होती है और वह इंटरनेट का इस्तेमाल सही प्रकार से कैसे करें, ऐसे में ये उसका शिकार हो जाते हैं और सामने वाला अपराधी उन्हें बार बार अलग अलग आईडी से परेशान करता रहता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है। आज के समय में बहुत आम बात हो गई है, परंतु ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है तो तुरंत ही इस पर एक्शन भी लिया जाता है। पहचान चुरा लेना, ये फ्रॉड उन व्यक्तियों के साथ होता है जो एक उच्च दर्जे पर बैठे हों और दिन प्रतिदिन उनकी सभी प्रकार के विभिन्न कैश ट्रांजैक्शन बैंक या उनके क्लाइंट के साथ होती रहती है। ऐसे में उनका कोई करीबी या कोई जानकार व्यक्ति उनके साथ अपराध करता है और उनके अकाउंट से जुड़ी सभी जानकारी को चुपचाप चुरा लेता है। फिर उनके बैंक क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि का नंबर प्राप्त करने के बाद भी उसे बैंक अकाउंट से पैसे का गमन करता है जिसका खाता धारक को पता भी नहीं चलता है, जबकि यह एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम है जिसमें खाता धारक को बहुत बड़ी वित्तीय स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। वायरस सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर और नेटवर्क ऐसे होते हैं जो देखने के बाद तो बेहद आकर्षित होते हैं, परंतु यदि उन्हें अपने फोन या कंप्यूटर से डाउनलोड किया जाए या फिर उन पर क्लिक किया जाए तो उसके जरिए सरकार द्वारा आपके कंप्यूटर और फोन को पूरी तरीके से हैक कर लिया जाता है। ऐसे में वो आपके कंप्यूटर और फोन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आपके सभी अकाउंट का एक्सेस भी मिल जाता है। ये क्राइम आजकल बहुत ही आम देखने को मिल सकता है और जो साइबर क्राइम के बहुत बड़ा अपराध है। साइबर स्पाइंग, साइबर स्पाइंग के अंतर्गत कुछ ऐसे बड़े होटल और बाथरूम में और कैमरे के बेडरूम में चुपके से कुछ छोटे छोटे कैमरे लगा दिए जाते हैं। उन कैमरे में उन लड़कियों को कुछ अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और वहां पर कुछ देर के लिए रुकने आती हैं। ऐसे कुछ शॉपिंग मॉल या फिर कुछ गारमेंट की दुकानों पर भी किया जाता है जहाँ पर लड़कियाँ ड्रेस चेंज करके अपनी फिटिंग चेक कर रही होती हैं। उनकी पिक्चर्स और वीडियोस को लेकर उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है जो एक साइबर क्राइम का बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। सोशल मीडिया से फोटो चुराना, साइबर क्राइम के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि किसी लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट उसके पिक्चर को चुरा लेते हैं और उन्हें पिक्चर को लेकर उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ का शिकार कई औरतें, लड़कियां और बच्चे होते हैं। साइबर बुलिंग, इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के मामले देखने को मिलते हैं। इसमें अपराधी लड़के अलग अलग जगहों की लड़कियों के साथ सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर लेते हैं, धीरे धीरे उनसे मेलजोल बढ़ाने के बाद उन्हें संबंध बनाने के लिए जिद करते हैं और आखिर में राजी भी कर लेते हैं। अपराधी उनके कुछ अश्लील फोटो या वीडियोस बना लेते हैं जिनके बाद उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त वे उन्हें ये धमकी भी देते हैं कि वे उनकी ये तस्वीर और सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। ऐसे में पीड़िता डर जाते हैं और कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। इसके तहत अपराधी को दंड भी दिया जाता है। कोई भी अपराध तब जन्म लेता है जब हमें उस अपराध से जुड़ी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो ऐसे में साइबर क्राइम को और अधिक बढ़ावा मिलता है और कुछ लोग तो यह भी नहीं पता चलता कि साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। आज के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल तो प्रत्येक व्यक्ति भरपूर करता है, परंतु साइबर क्राइम के प्रति जागरूक ना होने की वजह से साइबर क्राइम का शिकार अधिकतर महिलाएं ही बनती हैं। भारत में आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारत की एक तिहाई महिलाएं साइबर क्राइम का शिकार बन चुके हैं, जिनमें से 35% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने उनके ऊपर हुए साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अब तक अपने ऊपर हुए साइबर क्राइम की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उन आंकड़ों के तहत 40.7% महिलाएं इस आंकड़ों में आती है। चौंका देने वाली बात तो यह है, 18.3% महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके साथ साइबर क्राइम हुआ है लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है।
यह अपराध आज के समय में अपने चरम पर पहुंच चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण है साइबर क्राइम के प्रति जागरूक ना होना। साइबर क्राइम से बचने के उपाय माना इंटरनेट के बिना कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन सावधानी बरते बिना कोई काम करना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए नीचे दिए गए सभी उपायों को यदि आप ध्यान से सुने और अपने जीवन में अपनाएं तो आप भी साइबर क्राइम का शिकार बनने से बच सकते हैं। एक सुरक्षित इंटरनेट सेवा का भी उपयोग करें। हम अक्सर फ्री का इंटरनेट मिलते ही उसे इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फ्री में मिलने वाली इंटरनेट आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे वाईफाई होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपको फोन की सभी निजी जानकारी चुरा ली जाती है। इसलिए सदैव किसी भी फ्री मिलने वाली वाईफाई सुविधा से बचें। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। सदैव अपनी निजी जानकारियों से जुड़ी सभी एप्लीकेशन में एक मजबूत पासवर्ड लगाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने एक पासवर्ड को सालों तक इस्तेमाल करते रहें, बल्कि आपको अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए ताकि कोई भी उसे क्रैक ना कर सके। इससे आप साइबर क्राइम का शिकार होने से बच सकते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। आपके साथ साइबर क्राइम से जुड़ी घटना ना हो, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अपडेट रखें। यदि आप अपने सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट रखेंगे तो कोई भी हैकर आपके सॉफ्टवेयर से आपका कोई भी पर्सनल डेटा नहीं चुरा पाएगा। अपनी सोशल मीडिया की सेटिंग प्रतिबंधित रखें। आज के समय में सोशल मीडिया हर व्यक्ति की एक अपनी पहचान है और सबसे बड़े साइबर क्राइम की सोशल मीडिया के जरिए ही अंजाम दिए जाते हैं। ऐसे में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने सभी प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट को पूरी तरह अपनी जानकारी प्रतिबंधित करके रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों को दें जो आपके विश्वसनीय हैं। कोई भी अनजान आदमी आपके सोशल मीडिया अकाउंट में दाखिल होकर आपसे जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल ना करे, इसके लिए अपने अकाउंट को जुड़ी जानकारी प्रतिबंधित अवश्य रखें। अपने बच्चों को इंटरनेट के बारे में बताएं। आज के समय में साइबर क्राइम के शिकार छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंटरनेट के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। इसकी वजह से वे जल्द ही भटक जाते हैं। ऐसे में अच्छे माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को इंटरनेट से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार में अवश्य समझाएं, ताकि उनके साथ कुछ भी गलत होने से पहले वे सतर्क हो सकें। अपनी वेबसाइट का ध्यान रखें। यदि आप एक व्यापारी हैं और अपनी एक वेबसाइट चलाते हैं तो अपनी वेबसाइट पर पूरी सुरक्षा का सेटिंग करके रखें। यदि आपको छोटी सी भी गड़बड़ नजर आए तो तुरंत अपनी वेबसाइट का पासवर्ड बदलें। अपनी निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें। आज के समय में बड़े हो या बड़े, सभी लोग खुद से जुड़ी सभी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए अपलोड करते हैं। ऐसे में कुछ स्टॉकर आपकी प्रोफाइल पर ध्यान रखते हैं और आपको फॉलो करने लगते हैं। अपनी कोई भी मेल आईडी किसी प्रकार की जानकारी सोशल मीडिया पर अपलोड करने से आप कभी भी खतरे में पड़ सकते हैं। आप किसी समय कहां पर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं ऐसा कोई भी पोस्ट करने से बचें। सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर ना करें ताकि आप साइबर क्राइम से बचें। साइबर क्राइम से पीड़ित होने के बाद क्या करना चाहिए? जैसे ही आपको पता चलता है कि आप साइबर अपराध के शिकार हो गए हैं तो सबसे पहले आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में घर में मौजूद अपने बड़ों को पूरी सूचना दें ताकि वे आपकी सही सलाह दें। यदि आप समझ चुके हैं कि आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो करने वाला हो या आपका तुरंत ही पुलिस की मदद लेनी चाहिए। साइबर क्राइम के खिलाफ रिपोर्ट लिखने के लिए हर जगह पर अलग अलग पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर आप शिकायत दर्ज करने के बाद कार्रवाई आरंभ कर दी जाती है। यदि आप अपने बैंक से जुड़ी किसी प्रकार की धोखाधड़ी की जानकारी प्राप्त करते हैं तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और उन्हें अपने क्रेडिट, डेबिट और अन्य कार्ड बंद करने के लिए अर्जी दें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी कोई भी चोरी होने की जानकारी आपको तुरंत फेसबुक फीडबैक के जरिए फेसबुक कंपनी तक पहुंचा देनी चाहिए ताकि आपके अकाउंट का कोई भी गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसके अलावा यदि आपके साथ कोई और धोखाधड़ी होती है तो साइबर क्राइम के तहत रहे अपराध और उनकी जानकारी आप FTC तक पहुंचा सकते हैं ताकि वह तुरंत आपके साथ हुई धोखाधड़ी पर कार्रवाई आरंभ कर सके। भारत में होने वाले साइबर क्राइम की मुख्य जड़ झारखंड स्थित में एक जिले का नाम जामताड़ा है, जिस जिले को भारत में होने वाली प्रत्येक साइबर क्राइम का गुनहगार माना जाता है। भारत में अब तक 80% साइबर क्राइम होने की वजह इस जिले में रहने वाले लोगों का माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जामताड़ा में रहने वाले इन लोगों ने साइबर क्राइम की शुरुआत साल 2013 से की थी। ये लोगों को एक फोन कॉल के जरिए ठग लिया करते थे, जिसका पता पुलिस को चलते ही वे इस जिले से कई अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। परंतु आज भी वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मिनटों में आपके खाते से पैसा गायब करने में माहिर है। जामताड़ा में रहने वाले ठग आपको कॉल करके आपके अकाउंट से जुड़ी सभी डिटेल आपको बातों में उलझाकर प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा ले जाते हैं। उनकी ठगी का शिकार आज तक बहुत बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता और नेता भी बन चुके हैं, जिसमें बॉलीवुड के महायक अमिताभ बच्चन, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी, सांसद परनीत कौर, केंद्रीय मंत्री और केरल के एक सांसद आदि। आज के समय में साइबर सेल से बचना जितना आसान है उतना ही साइबर अपराध को अंजाम देना भी आसान है। बस आपकी छोटी सी सतर्कता आपको साइबर क्राइम से बचा सकती है। इसके लिए सदैव इंटरनेट से जुड़ी किसी भी जानकारी इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल अवश्य कर लें।
आपकी एक छोटी सी गलती आपको एक बहुत बड़े जाल में फंसा सकती है और हमेशा के लिए आपको बर्बाद कर सकती है। आज के लिए इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज। We have 56 rooms, one restaurant by the name of Hive. We have 5 hotels, 2 hotels in the Merritt, one of by the name of Hyphen, and one is Country Inn, and one hotel is in Haridwar by the name of Hyphen Grand. You stay with us and you will be enjoying here just like a home. It's a basically it's a corporate hotel. We have tied up with lots of companies. Thank you.